हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। वी आर डिस्कसिंग नीट 2023 क्वेश्चन पेपर बायो सेक्शन। तो एक क्वेश्चन है, इसमें गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एजर्शन सेज नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके जी, स्टेटमेंट एजर्शन ठीक है। रीजन कह रहा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, वेयर एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। तो ये रीज़न गड़बड़ है। रीज़न में क्या, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है। हालांकि ग्लोमेरुलस दोनों के, ग्लोमेरुलाई कहाँ पे सिचुएटेड है, दोनों के ग्लोमेरुलस सिचुएटेड है कॉर्टेक्स में। जक्स्टा मेडुलरी का जो नेफ्रॉन होता है वो बिल्कुल मेडुला के एज पे या कॉर्टेक्स के बिल्कुल डेप्थ में और मेडुला के एज पे सिचुएटेड होता है, और इसका लूप ऑफ हेनले डीप करेगा लॉन्ग मेडुला में, और जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स पे सिचुएटेड होता है, इसका शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है जी, तो ये है आपका जानकारी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में। तो इनकी रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से कहाँ पे इनकी पोजीशन है, ये दो तरह के नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बना रहे अबाउट 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। दे आर ग्लोमेरुलाई क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स, मार्जिन के इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स पे इनके ग्लोमेरुलाई हैं और इनका लूप ऑफ हेनले डेप्थ तक जाएगा मेडुला के। ठीक है जी, दे आर ग्लोमेरुलर लाई इन द आउटर कॉर्टेक्स, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लार्जर इन साइज स्मॉलर इन साइज, लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबा होता है, लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट, इनका शॉर्ट होता है। दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन सप्लाई इज शॉर्ट, वाटर सप्लाई शॉर्ट है तो ये कंट्रोल कर रहा है प्लाज्मा वॉल्यूम को। दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैंने दी। अब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर वन, एजर्शन इज ट्रू, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 4 को अवेल कर लीजिए। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। थैंक यू।